नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। ये अपना केएस कंपनी का रोटावेटर है। आज इसकी ये अमनदीप जी हैं जो इसकी टेक्निकल डिटेल्स बताएंगे और कितने टाइप के तो रोटावेटर हैं, रेट प्राइस वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर वीडियो के अंदर हम बताएंगे। आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और जैसी वीडियो लगे वो भी बताना कि वीडियो अच्छी है या जो कमियाँ हैं। चलो अमनदीप से बात करते हैं। नमस्कार अमनदीप जी। नमस्कार सर। आप अपने ये रोटावेटर के बारे में बताओ सर, कितने टाइप के रोटावेटर आते हैं अपनी कंपनी के और क्या क्या इसकी क्वालिटियाँ हैं और किसान को इसका क्या बेनिफिट होगा? बिल्कुल सर। नमस्कार सर। हाँ जी। सर जी, आज हमें अभी भी प्रेजेंट किया है जी, 8 फीट में है सर रोटावेटर। 8 फीट रोटावेटर भी सीरीज के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भीम हमारा ट्रेडमार्क है। ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ, वो पेटेंट डिजाइन है और भीम हमारा ट्रेडमार्क है जी। 8 फीट में हमें यहाँ पे प्रेजेंट किया है। इसमें 60 ब्लेड है इसमें। अच्छा, 60 ब्लेड के साथ। बिल्कुल एल टाइप ब्लेड है यहाँ पे। हैवी ड्यूटी वो 5 mm में होते हैं जी ब्लेड पूरे बढ़िया, और तायो में है, तायो के ब्लेड है। इंडिया में इससे बढ़िया ब्लेड नहीं मिलता है पूरे बढ़िया। हाँ, गुजरात की। और ये और शेप में भी आते हैं, एल शेप में? हाँ, एल और जे ओ शेप में होते हैं। वो अलग अलग टेक्निक के लिए अलग अलग यूज किए जाते हैं। ठीक ठीक। हाँ, वो डिपेंड करता है। रोटावेटर के अंदर अवेलेबल है वो? हाँ, रोटावेटर अवेलेबल है। वो फार्मर की जो ऐसा लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। ठीक ठीक। हाँ, इसमें रूटर हैवी ड्यूटी रूटर यूज किया गया है, सॉल्वेंट पेंट यूज किया गया है, डिस्क भी ऑप्शनल है, डबल डिस्क के साथ किया गया। इसमें कस्टमर डिस्क भी रहती है और हाँ डबल डिस्क में रहता है ये। अच्छा। इसके अलावा हमारा अपना कंपनी का बना हुआ गियर बॉक्स है, लो मेंटेनेंस और हैवी ड्यूटी गियर है इसका। ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सर। और इसमें कितने एचपी ट्रैक्टर के साथ में पास है ये? ये सर 55 मिनिमम 55 मिनी 55 है, 8 फुट का। 8 फुट का। और ये अपने जो सीरीज 8 मतलब मिनिमम कितने फिट का पड़ता है सर? मिनिमम हमारे 5 फीट से लेके 9 फीट तक रोटावेटर अवेलेबल हमारे पास है। अच्छा, 5 फुट से लेके 9 फुट तक, और उसके हिसाब से एचपी चेंज होती रहती है ट्रैक्टर की। और सर, हमारे जो साइज है पूरे स्टैंडर्ड साइज है, अगर मान लीजिए 8 फीट कहते हैं, उसकी जो वर्किंग विड्थ है वो 8 फीट पूरी होगी। अच्छा, अंदर से होगी। कोई कुछ कंपनी वैसे रहते हैं वो बाहर से 8 फीट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल उसकी 8 से कम होती है। प्रोडक्ट की टोटल 8 फीट चौड़ाई होती है, लेकिन वर्किंग वर्किंग हमारी 8 फीट है, उसकी ओवरऑल 8 फीट से ज्यादा होगी। अच्छा अच्छा। और कोई खासियत क्वालिटी क्या क्या अपनी इसके? उसके सर, इसका जो डाला है सर, इसमें ऑप्शन ज्यादातर कंपनियां एक स्प्रिंग लगाती हैं जो इसके लिए, हमने डबल स्प्रिंग का ऑप्शन दिया है। डबल इसके हैवी रहता है कोई, और इसमें चलने इसकी लाइफ भी ज्यादा रहती है, और ये मूवमेंट में इसको आसानी रहती है होने के लिए। ठीक ठीक। हाँ जी बिल्कुल सर। ये अपना और इसमें पेंट सर, बहुत ही बढ़िया पेंट यूज़ किया गया है। इसमें आफ्टर पेंट सर्विस और दोनों चीज़ का पूरा अच्छे से ध्यान रखा गया है। ठीक ठीक। और ये लेजर लैंड लेवल के बारे में थोड़ा सा बताओ सर। लेजर ये हमारा स्पोर्ट्स मॉडल है, इसको डबल एक्सल भी डबल एक्सल वाला भी बोलते हैं इसमें, आगे पीछे टायर भी बोल देते हैं इसमें सर। हम आप ऑप्शनल है, आप स्पेक्ट्रा यूएसए और लैक का दोनों का सिस्टम ले सकते हैं। ठीक ठीक। और वो उसकी 1 किलोमीटर तक उसकी रेंज होती है ट्रांसमिशन। हाँ बिल्कुल, इसलिए हम स्पेक्ट्रा यूएसए प्रेफर्ड करते हैं। वो यूएसए की कंपनी है और वो बहुत ही बढ़िया, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, फार्मर बहुत उसको लाइक करता है। और ये कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम उसकी? कोई दिक्कत नहीं है सर, उसकी सीजन की कंपनी की वारंटी रहती है। कोई दिक्कत आए तो हमारी वेबसाइट पे वो नंबर लेके कॉल भी कर सकता है, हमारी टीम 24 आवर में वहाँ पे पहुँचती है, ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी। ऑल ओवर इंडिया में? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। ये अपना ये बूम वगैरह सिंगल बूम के साथ? हाँ, बिल्कुल, बूम के साथ। हाँ, में ये बिल्कुल सर, ये डीलक्स भी हैवी प्लेट में बना हुआ है, सिंगल प्लेट लगी हुई है इसमें। ठीक ठीक। हाँ, कहीं कोई ज्वाइंट नहीं, ताकि बिल्कुल ताकि अच्छी क्वालिटी और कस्टमर जी परेशान। और जो ब्लेड दिया गया है इसमें भी डबल साइड है ये। हाँ, इसको सीजन में चला के इसको रोटेट करोगे तो इस साइड काम करने लग जाएगा। ठीक ठीक। मतलब इसमें ये एक बार एक साइड से घिस भी जाए तो दूसरी साइड से यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक। हाँ जी। और ये डबल एक्सल के साथ में? डबल एक्सल के साथ है, इसमें फिर उसकी वाइब्रेशन कम रहती है और उसके रिजल्ट्स आउटपुट सोयल के अच्छे रहते हैं, लेवल करने में आसानी रहती है। टूल किट दी गई है, इसमें सामान वगैरह रख सकते हैं। पीछे टूल किट दी, अपने पूरा सामान रख सकते हैं, अपना ट्रांसमीटर रख सकते हैं और कुछ मेंटेनेंस का सामान रख सकते हैं इसमें आप। हाँ जी। ठीक 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 ठीक। और ये एक्सेल बना हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ में? हाँ, है बिल्कुल, हाइड्रोलिक होता है सर सिस्टम सारा जी। और बंदा ट्रैक्टर पे बैठे बैठे अपना ट्रैक्टर इसको चेंज कर सकता है? ट्रैक्टर इसको हाइट को एडजस्ट करना है वो कर सकता है। ये था जो इसका प्राइस है, 3,20,000 रुपये रखा गया है यहाँ पे। बिल्कुल सर, 20,000 डिस्काउंट चल रहा है एग्जीबिशन। अच्छा, एग्जीबिशन के अंदर 20,000 रुपये डिस्काउंट, 3,00,000 रुपये इसका प्राइस है।
ठीक ठीक ठीक। और ये बकेट की कितनी चौड़ाई है इसकी अपनी? 7 फीट होता है वर्किंग विड्थ, 7 फीट होती है। अच्छा, वर्किंग से 8 फीट तक इसके दो ऑप्शन है। अच्छा, दो ऑप्शन में और 8 फीट भी ले सकते हैं। अच्छा, 8 फीट भी ले सकते हैं, इससे बड़ा भी आता है या अभी 8 फीट ही है? वो नहीं है ना, 8 फीट तक ही है। कितने ट्रैक्टर एचपी के ट्रैक्टर पे पास है ये? 50 तक भी चल जाता है इसमें। अच्छा, 50 एचपी तक चल जाता है। हां बस इसको तो पुलिंग पावर चाहिए और हाइड्रोलिक डबल क्विक रिलीज वाल्व चाहिए इसके अंदर। की तो जरूरत नहीं रहती पीटीओ पावर में, तो जरूरत नहीं। हां, पीटीओ का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सर, थैंक यू मनदीप जी, काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ये था भाई केएस का लेजर लैंड लेवलर और इधर अपना ये रोटावेटर बीम सीरीज का। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।